हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं मतलब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। शादी में वो सो बिज़ी कि मैंने मतलब कि वो टाइम के हिसाब से कुछ अपलोड कर नहीं पाई, कि जिस दिन जो था कि उसका नेक्स्ट डे कि मैं अपलोड कर दूँ, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लोग घर में आए हुए थे एंड टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इतना मुझे काम था। एंड डैट टू गाइज, आप लोग देख रहे हो मेरा गला अभी भी ख़राब है मेरा, मतलब अभी तो थोड़ा बेटर हुआ है। कुछ दिन पहले तो मतलब एक दो दिन पहले जब शादी था, इट वॉज मतलब मेरा बैड, इतना गला, इतना बैड थ्रोट हो गया था मेरा, इतना आवाज़ मतलब नहीं निकल रहा था। एंड वीडियो शूट भी मैं नहीं कर पा रही थी ना, क्योंकि उसमें वॉइस देना पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा पा रहा था। तो बस आज थोड़ा बेटर हुआ है एंड अभी थोड़ा फ्री भी हूँ मैं, थोड़ा काम वाम सब मतलब ऑलमोस्ट सब हो गया है। आज ना मैं ना मेन पूजा का, मैंने वो सुहाग अपने का दिखाया, वो सत्यनारायण का कथा का दिखाया एंड उसके बाद मटकोर हुआ था, मैंने उसका शेयर किया। एंड मटकोर के बाद ना हमारे यहाँ मीन पूजा होता है, जो हमारे मतलब कि देवी देवता जो हमारे पूर्वज लोग हैं ना, हम उनको उनका पूजा करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं घर में कि आप आओ हमारे घर में शादी, आप सब कुछ देखो एंड ऑल, और मतलब कि शादी में वो लोग भी आए, हमारे जो देवी देवता है तो उनका पूजा आज होगा। तो आप लोग देखो एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोसीरा। गाइस देखिए, पूरा मेरा घर फैला हुआ है, हम लोग आ गए हैं ना। अभी मैं बाहर निकली हूँ कुछ, वो हमारे यहाँ ना ये पूजा में ना मिठाई एंड ऑल सब चीज़ दिया जाता है, पूरा पैकेट कर करके लड़कियाँ लोग लेके आती है, तो वही सब सामान निकली हूँ मैं लेने। घर में तो मैं बाहर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर में इतना मतलब सब क्राउड एंड ऑल है, सबका आवाज़ आ रहा है, तो इसी के लिए मैंने सोचा चलो रास्ते में मैं बना लूँगी। तो फिर मैं जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट हफ्ते में। तो गाइस मैंने ना प्रभु जी से सारा मिठाई का सारा वो पैकेट सेंड ऑल खरीदा एंड मैं ना उसको लेके अपने ससुराल आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ पैकेट भी, जैसे कि समय एंड ऑल जो मैंने हल्दीराम से कीना था, तो उसको मैंने ना एक कथान में सजा वजा दिया, तो उसको मैं सजा वजा के सेट करके फिर एक बार मैं सजा के अपने मायके जाऊंगी ये सब लेके, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल तो सामने सामने है ना इसके लिए। तो इस फिर मैं आ गई, फिर यहाँ पर ना वो मेन पूजा का ना सब तैयारी चल रहा था। तो हमारे यहाँ जो जिसका भी शादी होता है, जैसे कि जो दूल्हा होता है या दुल्हन होती है, उनकी मॉम डैड मिल के ये पूजा करते हैं, तो ये पूरा ना हमारा ये देवता है उनका पूजा किया अच्छा हो रहा है। तो ये सेटअप पूरा हम लोग लगाते हैं, तो उनको हम लोग घर में ये पूड़ी, आटा का वो एक हलवा बनता है वो, गुलगुल्ला ये सब चढ़ाते हैं। तो ये ना पूजा में ये सब का ये रिचुअल है, तो ये आग बंद, आप लोग देखो सारा रिचुअल सरवाल।
सो गाइस वो सारा हो गया एंड ये ना अभी सिल कटाई हो रहा है। इसमें ना वो दाल वाल कुछ पीसा जाता है तो फाइव वुमन्स मिल के ये पीसती हैं ऐसे। एंड ये पीसने के बाद ना इसको एक घड़ा में इसको ना ऐसे पैक किया जाता है कुछ, मतलब कि हमारे जो देवी देवता है पूर्वज है जो हमारे यहाँ नहीं है उनको इन्वाइट करते हैं हम लोग। आप लोग देखो सुनो, कंट्री क्लब में आ जाओ, देवी देवता जीव जंतु सब अंतरा का चीगा ब्रिज पार करके लोहा का दहना पहले आ जाइए बस से नहीं इसे डायरेक्ट चला जाए गाड़ी से सरकार दादी सब आओ, हमारे बाबा जहाँ भी है देखो पारो हाँ पारो पारो एंड गाइज वो पूजा एंड ऑल हो गया। एंड ये सब ना सारा ये स्वीट्स एंड ऑल ड्राई फ्रूट्स सब पैक ड्रेसेस एंड ऑल सब हमारे घर में आया। तो मेन पूजा मैंने जैसे बोला था ये नियम होता है लाने का, तो मेरी आंटी बुआ लोग नानी लोग के घर से मैंने लेके आया था, तो वो यही सब है सारा पैकेट्स। ये हमारा नियम होता है कि मेन के दिन हम लोग सब कोई स्वीट्स ड्राई फ्रूट सब ले लेके आते हैं। एंड फिर गाइस पूजा एंड ऑल हो गया ये सब होने के बाद ना, तो जितने लोग थे तो वो जो खाना बन रहा था सुबह, तो बस हम लोग वही सबको खाना वाना दे रहे थे, सबको खाना खिला रहे थे। तो मैं मेरी मम्मी बुआ लोग सब हम लोग मिल मिल के वो खाना खिला रहे थे। दिन शाम में ना गाइस सारी जो मेरे घर की लेडीज़ है सब कोई डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो देखो आप लोग सब शाम में ना मेरे ये दादा हैं फिर काका लोग सब कोई पापा एंड और बैठ के ना वही हंसी मजाक थोड़ा कर रहे थे घर में।